Hello students, welcome to online class. Today we will start new chapter angles and triangles, class 5th maths. In this chapter we will learn about concept angles, kind of angle, relation between angles, collinear and non-collinear points, characteristics of a triangle, properties of a triangle and classification of a triangle. वॉट इज़ अ एंगल? एंगल क्या होते हैं? टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट मेक एन एंगल. इन द गिवन फिगर रे बी ए एंड रे बी सी आर फॉर्मिंग एन एंगल. वी रीड दिस एंगल विच इज़ ऑलवेज रिटर्न इन द मिडिल. एवरी एंगल हैज़ अ मेजर. एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री. एंगल क्या होते हैं? जो भी टू रेज रहती है, टू रेज के बीच में एक कॉमन पॉइंट रहता है और ये कॉमन पॉइंट के बीच में जो भी डिफरेंस रहता है वो क्या होता है? हमारा एंगल होता है. यहाँ पर देखिए बी ए और बी सी, इन दोनों के बीच में जो भी फिगर बन रहा है वो क्या होता है? हमारा एंगल होता है. और एंगल को हमेशा हम मिडिल में ही लिखते हैं. और एंगल को किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में. किस में मेज़र करते हैं? हम हमेशा डिग्री में. काइंड्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ए इज राइट एंगल. राइट एंगल कौन सा होता है? व्हेन अ स्ट्रेट वर्टिकल रे फॉल एंड फॉल ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल रे इन सच अ वे दैट बोथ हैव कॉमन एंड पॉइंट देन दे फॉर्म द राइट एंगल. द मेजर ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. जब कोई वर्टिकल रे किसी स्ट्रेट लाइन पर गिरती है और वो बिल्कुल कैसी होती है? सीधी होती है. तो अब क्या बनता है? यहाँ पर राइट एंगल बनता है. और राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. जब भी 90 डिग्री का एंगल है मीन्स वो कौन सा एंगल है? राइट एंगल है. इन दिस फिगर एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पर देखिए एंगल सी ए बी, जो एंगल रहता है वो हमेशा बीच में लिखता है. मीन्स एंगल सी ए बी 90 डिग्री. नेक्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल. Acute angle, an angle whose measure is more than 0 and less than 90 degree is called an acute angle. जो angle 0 degree से तो बड़ा होता है लेकिन 90 degree से छोटा होता है तो वो कौन सा angle होता है? हमारा acute angle. यहाँ देखिए angle E O and F कितने degree का है? ये 45 degree. मीन्स ये एंगल 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है. जो भी 90 डिग्री से छोटे के एंगल रहेंगे वो कौन सा एंगल हो गया? हमारे एक्यूट एंगल. नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल. यहाँ पर देखिए एंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर कितने का है? ये 135 डिग्री का. मीन्स ये 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है तो ये कौन सा एंगल हो गया? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. डी स्ट्रेट एंगल. एन स्ट्रेट एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. ऑल द पॉइंट ऑफ टू रेज विच फॉर्म द स्ट्रेट एंगल आर सिचुएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर देखिए जो एंगल 180 डिग्री का होता है, जो एंगल 180 डिग्री का होता है वो हमेशा कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल. और ये कैसी लाइन बनाता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है. ये एंगल कैसी लाइन बनाता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है. इसलिए ये कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है. अ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं हमारे? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पर देखिए एंगल ये कौन सा हो रहा है? 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है. ये 225 डिग्री का एंगल है तो ये कौन सा एंगल हो गया? हमारा रिफ्लेक्स एंगल. और ये हमेशा नीचे की साइड बनता है इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल है हमारा. आज हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है. ये सारी डेफिनेशंस आपको आपकी कॉपी में लिखना रहेगी.